जय माता जी, राम राम, सीता राम। साणंत्री नंबर में सिंह मेरी निकल रही है इधर। गाय के लिए लगाई थी, पाला के लिए, कि हमारे साइड इधर बहुत पाला खराब भी हुआ था बारिश वाला, और रेट भी बहुत हुआ था, और ऐसा पाला भी नहीं था, क्योंकि लगातार 4 मंथ बारिश हो रही थी, इसलिए ये पाला भी हमारे इधर सोमासु बोलते हैं ख़राब हो गया। तो ये हमने सींग लगाई थी 25 बीघा की, एकड़ तो होगी 10। तो ये 2 ठेसर चल रहा है, एक हमारे इधर राजसी भाई है, उसका मैं आज लेके आया सुबह। आसपास वाला किसानों सब बोल रहा है धर्म भाई अब क्या कर रहा है, ये बारिश सब जगह हो रही है आसपास में, और आप सिंग निकालने जल्दी नहीं कर रहा है। मैं बोला यार ये गायों के लिए लगाई है, उनमें कहाँ से डरेगा, उसकी किस्मत में होगा पाला तो ये बारिश नहीं होगी, और जो उसका किस्मत में नहीं होगा तो होगी। अगर आप कैसे भी करके उसको निकालिए, हमारे आसपास के पड़ोस वाले किसान हैं वो सब कोई फ़ोन करके बताते हैं, कोई इधर खुद आ जाते हैं। और सिंग भी ऐसी है कि हमारे इधर किसी ने नहीं लगाई, और सिंग भी बहुत बढ़िया हुई है, सब किसान भी देख के खुश हो जाते हैं, इतनी सिंग भी निकल रही है। ये ट्रक लोड हो रहा है, दूसरा ठेसर इधर चल रहा है, ये मेरा, ये 10 की मोटर इसमें लगाया हुआ है, ये मोटर से चलता है, बिजली से, उसमें ट्रैक्टर भी है। ये ट्रैक्टर तो खाली ऐसे ही खड़ा है, जब बिजली चली जाएगी तो स्टार्ट करने के लिए खाली उसकी टोपलिन घूमती है, जब बिजली चली जाती है तो उसमें दूसरा कुछ नहीं करना पड़ेगा, सीधा ट्रैक्टर को स्टार्ट करके ये गियर में डाल देंगे तो सीधा स्टार्ट हो जाएगा। देखो ये सिंग आ रही है, बहुत बढ़िया भी है, क्योंकि सब लोग डर रहा है राम भाई बारिश होगी तो बहुत नुकसान होगा। मैं बोला होगा, उसमें तो कुछ कर नहीं सकता, ये राम और लक्ष्मण और सीता जी को भी कहाँ मालूम था कि सुबह तो 14 साल का वनवास मिलेगा, सुबह उसको तो था कि राज मिलेगा, लेकिन सुबह उसको कपड़ा भी निकाल के वन में भेज दिया था। मैं बोला ये हमारे किस्मत में होगा तो कुछ नहीं होगा, ये हमारा अर्जुन इधर देख रहा है, उधर गवाण में खड़ा हुआ है, ये पीछे देख रहा है क्यों हवा जा रहा है, ये कभी ऐसा चोर नहीं मस्ता आज, क्यों ऐसा चोर फसोर हो रहा है, क्या हवा जो रहा है, तो देख रहा है। ये हमारा फॉरविल टेलर है, वो भी इधर खड़ा है सिंह के डालने के लिए, पहले तो इसीलिए ट्रक में लोड कर रहा है कि ट्रक में 600-700 मन के आसपास आ जाती है, उसकी ऊंचाई बढ़िया है, और ये गायों के लिए खड़ी है, तो ये सीधा यहाँ से पाला तो गोडाउन में जा रहा है लेबर से, 15 लेबर है, और 4 बाप दिख रहा माए हमें, 3 लड़का है, और मैं भी वहाँ कुछ ना कुछ कर लेता हूँ, तो ये सब लोग डर रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये ऐसा नज़ारा देख के तो महादेव भी खुश होगा, तो बारिश नहीं होगी। तो कोई कोई लोग फ़ोन करके बताते हैं कि हमारे घर लेबर है तो एक दो भेज देते हैं, कोई कोई तो नहीं देते, लेकिन जिसके पास होता है वो लेबर भेज देते हैं। हमारे इधर गांव में से लेबर आते हैं, 8 लाख गांव है वहाँ से भी आते हैं, वो भी गांव में ढूंढते हैं कि चलो मिलते जितना मिलते हैं इतना लेके आते हैं। इधर हमारे काम भी बहुत, कोई कोई किसान तो सिंग लगा भी लिया है बारिश वाली, सुमासु बोलते हैं हमारे, इन हम तो निकाल रहा है,
तो जैसा खूबसूरत दृश्य देख के तो भी महादेव भी खुश होगा कि गायों के लिए ये पाला लगाया है। तो मैं बोलता हूँ 2-3 दिन बारिश नहीं है, और आसपास वाले हमारे छोटे छोटे किसान हैं वो भी बोलता है कि उसके पास 5 बीघा ज़मीन वाला भी है कि 2-3 दिन बारिश नहीं आएगी तो बढ़िया रहेगा, रुक जाइए आप। बारिश को ऐसे बोलते हैं भगवान के लिए रुक जाइए। हमारे इधर एक रबारी है देवात भाई, वो बोलते हैं उसके पास ज़्यादा कोई ज़मीन भी नहीं, 2.5 बीघा ज़मीन है, तो भी बोल रहा है कि 2-3 दिन बारिश रुक जाएगी तो ये हमारे राम भाई की सिंह निकल जाएगी। मैं बोला वो तो निकल जाएगी, बारिश नहीं होगी, क्योंकि हमारे लिए ये सिंह नहीं लगाई। इसमें हमारे लिए भी बहुत बढ़िया होगा, ये 40-35 मण के आसपास होगी। ये जो हमारे गांव में एक उधर वो साइड एक लड़का ने लगाई थी 8 एकड़ की, तो उसको बोल रहा था कि उसको 30 मण के आसपास हुई है। तो इधर आया था मेरी सिंह देखने के लिए, तो बोल कर गया ये 1 बीघे में 40 मण होगी। बोला ठीक है, जैसी होगी होगी, जितनी होगी वो चलेगी, लेकिन मैं तो गायों का पाला के लिए इसको लगाया था। क्योंकि इधर हमारे सब लोग इसीलिए सिंह नहीं लगाते, बारिश से डरते। तो ये देखो ये ट्रैक्टर से उठा के आते हैं, कोई कोई लोग बोल रहा है राम भाई ये क्या कर रहा है। तो हम ऐसे ही सिंह निकालते हैं, ये सिपिया बोलते हैं, ये लेबर से खेत में ऐसा ढेर बना देते हैं, हमारे गला भी बोलते हैं और भर भी बोलते हैं और है।